चुनौती दे रहा हूं कोसली से दुष्यंत चौटाला जी, आप मैदान में आ जाना, आपकी पार्टी आ जाएगी। हरियाणा में 90 सीट हैं, एक किसी सीट से आपकी जमानत नहीं बचेगी, आज हम कहना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई हमारे विधायक थे, कांग्रेस में थे पहले, आदमपुर से, राज्यसभा में आपकी वोट डाल दी, बीजेपी ज्वाइन हो गए। पहले आपके आपकी एजेंसियां कहती थी, ये जो ईडी और आईटी कहती थी कि इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई है। मेरी इंसानियत की कोई गवाही दे सकता है तो आप दे सकते हो, मेरी इंसानियत की गवाही आप दोगे कि नहीं दोगे मेरे को ये बताओ भाई। लोकसभा का चुनाव का भी बिगुल बच चुका है, तो लोकसभा के चुनाव में आपको और हमको फैसला करना है। और ये जो रोहतक लोकसभा सीट है ये आप जानते हो एक हॉट सीट है, ये हॉट सीट है, इस पर सबकी नज़र है, सही सबकी नज़र रहती है कि ना, इस पर सबकी नज़र है। और ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ये जो रोहतक लोकसभा सीट है, ये सीट हरियाणा में क्या फैसला होगा उसका फैसला रोहतक लोकसभा सीट से आप लोग करते हैं, क्योंकि ये बाकी देश में और हरियाणा के चुनाव में एक अंतर है कि हरियाणा के चुनाव के 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव, लोकसभा में गिनती होगी 4 जून की, जिन गिनती की तारीख है तो जून चला गया, जुलाई अगस्त सितंबर में दोबारा कोड लगना है, अक्टूबर में चुनाव होने, तो 2-2.5 महीने बीच में रह जाते हैं। इसीलिए हरियाणा में ये जो चुनाव है ये एक तरीके से हरियाणा के आने वाले समय की सरकार का फैसला भी लोकसभा चुनाव में, इसीलिए हरियाणा के चुनाव में। और रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव इसीलिए हॉट सीट का चुनाव है कि यहाँ से, क्योंकि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं आता हूँ तो पूरी बीजेपी के निशाने पर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि बीजेपी को पता है कि यहाँ से जिस दिन कांग्रेस की जीत होगी, आपका आशीर्वाद होगा मुझे मिलेगा, उसी दिन जिस दिन नतीजा आएगा और आपके आशीर्वाद से अगर यहाँ से मुझे आप मौका मिला, तो वो जीत केवल दिल्ली में सांसद बनाने की जीत नहीं होगी, वो हरियाणा में सरकार बदलने की जीत होगी, ये यहाँ का फैसला। इसीलिए हॉट सीट है, इसीलिए जो अभी मुख्यमंत्री जी जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये कुछ दिन पहले जब आए तो झज्जर में इन्होंने कहा कि हमारे लिए 9 सीट एक तरफ है और 1 सीट एक तरफ है। ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ इनका ज़्यादा प्यार है इसीलिए 1 सीट एक तरफ है, लेकिन इस नतीजे का जो प्रभाव, ये वही हरियाणा है जिस हरियाणा में पिछली बार नारा दिया था बीजेपी ने, आपको याद होगा सरकार तो पिछली बार ही बदल देती, इन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था, क्या दिया था, 75 पार। मगर लोग इतने दुखी थे, 5 साल से ही दुखी हो गए थे, लोगों ने 75 पार के नारे की हवा निकाल दी, 40 पे गैर सुई रुक गई थी, 40 पे सुई रुक गई। और कांग्रेस और बीजेपी में प्रदेश में केवल 3900 वोटों का फर्क, अगर 3900 वोट पिछली बार 2019 में हमारी ज्यादा आ जाती कांग्रेस पार्टी की, तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35 सीट कांग्रेस की सबसे बड़ी दल होके उसी समय निकल जाते और हमारी से। और लोग कितने दुखी थे खट्टर सरकार के पहले चरण से, पहली चरण की जो खट्टर सरकार, उससे कितने दुखी थे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 मंत्री उनके चुनाव में उतरे थे 2019 में, 14 में से 12 मंत्री दोबारा विधानसभा नहीं पहुंचे, 75 पार के नारे के बाद एक एक मंत्री से कितने दुखी होंगे। उदाहरण आपको मैं एक एक का उदाहरण क्या दूं, सबसे बड़ा उदाहरण तो रावदान सिंह जी यहाँ बैठे हैं महेंद्रगढ़ से, उनके शिक्षा मंत्री थे रामविलास जी, उनके इनके खिलाफ जो चुनाव दान सिंह जी वहां पहुंचे, 14 में से 2 ही मंत्री वापस पहुंचे, खट्टर साहब और अनिल विज साहब, बाकी कोई मंत्री भी वापस नहीं पहुंच पाए, लोग दुखी थे। मगर इस बीच में एक और आई पार्टी, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, याद होगा उनका क्या नारा था, बीजेपी को करो जमुना पार, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, इलेक्शन होते ही दोनों बन गए पक्के यार, यही बात बनी। और दूसरे चरण की आई ऐसी सरकार, दुष्यंत और खट्टर बन गए ऐसे पक्के यार, हरियाणा में हो गया फुल भ्रष्टाचार, जनता करे हाहाकार, 5 साल निकाल दिए। अब देखना दुष्यंत चौटाला को, मैं चुनौती उनको दी है, उनकी पार्टी को, जो उन्होंने बीजेपी खिलाफ वोट ली थी, अब एक किसी, मैं उनको आज चुनौती दे रहा हूं कोसली से, दुष्यंत चौटाला जी आप मैदान में आ जाना,
आपकी पार्टी आ जाएगी। हरियाणा में 90 सीट हैं, एक किसी सीट से आपकी जमानत नहीं बचेगी, आज हम कहना चाहते हैं, क्योंकि जनता के साथ आपने विश्वासघात कर दिया। इतना बड़ा विश्वास, क्या कहा लोगों को कि भाई 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया है, गठबंधन बन गया। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद अपने बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को डबल इंजन से लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। और हरियाणा में महकमे बांट के आपस में, कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, माइनिंग का महकमा, खनन का महकमा किसके पास जाएगा, आपस में महकमे बांटकर 5 साल तक दोनों डबल इंजन से दोनों ने खाई मोटी मलाई, और अब राम राम करके भाई, दोनों भाई करके राम राम, ये अब चेहरे बदल लिए, पता चल गया इनको कि नाराजगी हो गई है। हरियाणा में पिछली बार 3900 वोटों से किस्ता बची थी, इन्होंने गठबंधन की, इस बार लोग नाराज हैं, हर वर्ग के लोग नाराज हैं, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इस सरकार ने, नाराजगी हो गई। तो चुनाव से 2 महीने पहले चेहरे बदल दिए, मगर मैं आज कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आपने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, आपने उप मुख्यमंत्री भी बदल दिए, अब चेहरे क्या बदलोगे? अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब तो लोग हरियाणा की सरकार ही बदलेंगे, आज मैं इनको कहना चाहता हूं, अब क्या आप चेहरे बदलेंगे? और चेहरे भी बदले और सरकार भी ऐसी कि इस इलाके का, हमारे इस इलाके का मान सम्मान नहीं हुआ, इस इलाके का मान सम्मान नहीं हुआ। हम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हरियाणा में 10 वर्ष, हरियाणा की सरकार में 2 कैबिनेट मंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री, जिसमें हमारे जयदान सिंह जी भी थे, अनिता जी भी थी, चाहे हमारे राव नरेंद्र जी कैबिनेट मंत्री थे, चाहे कप्तान अजय जी हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हों, और कोसली हल्के में जो है कोई मंत्री की राज यादवेंद्र जी पूछते थे कि ये सारे मंत्री बन गए बाकी, मैं कहा भाई क्योंकि आप हमारे भाई हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, यहाँ पे आप और हमको मिलके काम कराना है। फिर ये सारे मंत्री कहते थे कि जी मंत्री नहीं है, लेकिन काम सबसे ज़्यादा आप कोसली में ही कराते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आप इनने 10 साल निकाल दिए, और जो है मैं समझता हूँ ना तो दक्षिण हरियाणा का सम्मान रखा, ना अहिरवाल का सम्मान रखा अपने कैबिनेट में, और ना पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भी किसी को एक को भी, अभी राज्य मंत्री का दर्जा भी पूरे ना रोहतक लोकसभा क्षेत्र से किसी को एक देने का इन्होंने काम किया। तो भाई हरियाणा में ये सरकार बदलनी है, और इस सरकार को बदलने में आपका पूरा साथ सहयोग रहेगा, तो एक बार हाथ खड़ा करके। और भाई और उसके साथ साथ आज थोड़ी दिल की बात कह रहा हूँ, तो थोड़ा पानी पी के करनी पड़ेगी भाई। 10 साल आपने ये सरकार भी देख ली, अपनी सरकार में 3-3 यूनिवर्सिटी बनी, और कोसली क्षेत्र के अंदर, चाहे वो भगत फूल सिंह जो रीजनल सेंटर, जो हमारी महिलाओं के लिए रीजनल सेंटर जो कृष्ण नगर लुलाहिर के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ ये रीजनल सेंटर तो एक आधारशिला है, इस बार मौका मिलेगा तो वहाँ भी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए विश्वविद्यालय बनवाने का वहाँ पे काम करेंगे। जो देश में आज देश के लोकतंत्र पे आज हमला ये सरकार कर रही है, देश के संविधान पे, संविधान को, अभी एक बीजेपी एमपी की बात का स्टेटमेंट आई कर्नाटक से कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है बीजेपी ने कि 400 पार ताकि संविधान हम बदल दें और संविधान तोड़ दें। मैं उनको कहना चाहता हूँ देश का संविधान है बाबा साहब का संविधान, जिसके आधार पर देश आगे चला है। तो भाई संविधान तो आप, संविधान को आप कुचलना चाहते हो, जब तक जो इस देश की जनता जागरूक है संविधान को, तो आप 1 इंच भी आपको संविधान को हिलाने नहीं देंगे, आज हम इनको कहना चाहते हैं। और लोकतंत्र की हत्या करने की बात आप कर रहे हो, देश के सभी जो भी विपक्ष में है उनको आप निशाने पर लेने की बात कर रहे हो, ये आप देश की लोकतंत्र की भी, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लोकतंत्र को। आज मैं देख रहा हूं केंद्रीय जांच एजेंसियां, केवल विपक्ष में कोई भी नेता पूरे देश में विपक्ष में, उनको केंद्रीय जांच एजेंसियों के उन पर मुकदमे बनते हैं, और उनको
जेलों में डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन कोई बीजेपी ज्वाइन कर जाए, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, अगले दिन वो मुकदमे माफ हो जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा स्वरूप है? बड़े बड़े मुकदमे बने। एक कुलदीप बिश्नोई हमारे विधायक थे, कांग्रेस में थे पहले, आदमपुर से, राज्यसभा में आपकी वोट डाल दी, बीजेपी ज्वाइन हो गए। पहले आपके आपकी एजेंसियां कहती थी, ये जो ईडी और आईटी कहती थी कि इनके हजारों करोड़ की इनकी संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई है। जब से वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, उनके मुकदमे कौन से ठंडे बस्ते में गए हैं ये पता ही नहीं चल रहा। कहीं महाराष्ट्र में अजीत पवार, कहीं नारायण राणे, बड़े बड़े घोटालों के जो अपना जिनके नाम चल रहे थे। लेकिन आपकी जांच एजेंसियां, जांच करानी हो तो आप उनकी जांच, वहां जांच कराओ। कोरोना काल में जहां एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग अपने जेब से भी खर्च रहे थे, उस समय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपए का चंदा लिया और उसके चंदा लेने के 12 दिन के बाद उसको वैक्सीन बनाने का, वैक्सीन की उसकी परमिट कराई और देश में उनको अपने जो मन चाहे भाव के अंदर वैक्सीन लगवाने की जो इजाजत दी। क्यों आपने लिया चंदा? वैक्सीन की कंपनी को आपको चंदा देने की क्यों जरूरत हुई और आपने चंदा क्यों लिया? बीजेपी को अगर जांच करानी है तो ऐसे विषयों का जांच करानी चाहिए। मगर ये तो मैं समझता हूँ कि आज इनका अहंकार और इनका घमंड, तो भाई इनका अहंकार इनका घमंड भी बीजेपी का भी कुछ कम करना जरूरी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इनका घमंड इनका अहंकार थोड़ा कम करोगे कि नहीं करोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्योंकि भाई ये जिस रास्ते पे चले हैं, इनका अहंकार इनका घमंड कम से कम इतना कम हो कि भाई अगर ये कुछ ऐसी बात करें तो कम से कम कोई उनसे खड़े होकर कोई बात, उनकी लड़ाई लड़ सके। मेरी इंसानियत की कोई गवाही दे सकता है तो आप दे सकते हो। मेरी इंसानियत की गवाही आप दोगे कि नहीं दोगे, मेरे को ये बताओ भाई। मेरे राम आप हो, मेरे राम आप हो। मैंने आपको, आप एक एक आदमी को राम मान, अपना राम मान के दिन और रात मैंने इंसानियत से कभी किसी को मना नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से हर आदमी के लिए कोशिश करी है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है कि भगवान राम न्याय करते थे, तो भाई मेरे राम आप हो, मेरे साथ, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे साथ न्याय करना, मैं आपका